अगर हम लोग ऑसिपिटल बोन का देखें तो ऑसिपिटल बोन का तीन हिस्सा है, ठीक है। सबसे पहले ये हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं लैटरल मास। लैटरल मास में क्या क्या आ जाता है, लैटरल मास में क्या क्या आ जाता है, कॉन्डाइल्स आ जाता है, कॉन्डाइल्स आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पे फोरामेन मैग्नम आ जाता है, पैरामस्ट्रॉइड प्रोसेस आ जाता है, कॉन्डोलॉइड फोसा आ जाता है। पहला जो छेद है इसमें कॉन्डोलॉइड फोरामेन आ जाता है, पहला छेद, और जो दूसरा छेद है हाइपोग्लोसल फोरामेन आ जाता है, ठीक है। तो ये किसका हम लोग चर्चा किए हैं, लैटरल मास का। अब अगर हम लोग आते हैं आगे ये वाला भाग को, तो ये वाला भाग हो गया सुप्रा ऑसिपिटल पार्ट, ठीक है, और जो बेस में यहाँ जो हो गया इसको हम लोग कहते हैं कौन सा पार्ट, बेसियो ऑसिपिटल पार्ट। अगर हम लैटरल मास का देखें तो लैटरल मास में सबसे पहले हम देखें कॉन्डाइल्स को। कॉन्डाइल्स कैसे हैं, ओवल है और इलोंगेटेड है, ठीक है, और ये बना रहे हैं किसका, फोरामेन मैग्नम, ये है फोरामेन मैग्नम का लैटरल वाल बना रहे हैं, ठीक, किनारे किनारे का वाल कौन बना रहा है, ये। उसके बाद कह रहा है कि ये जो है ऊपर में वाइड है और नैरो है नीचे में, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको देखा जाए तो ये जो कॉन्डाइल कॉन्डोलॉइड प्रोसेस है, कॉन्डोलॉइड प्रोसेस के उधर में लैटरल साइड में आपको पैरामस्ट्रॉइड प्रोसेस है। ये पैरामस्ट्रॉइड प्रोसेस कुछ नहीं होते हैं, बस दो बोनी आउटग्रोथ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें पैरामस्ट्रॉइड प्रोसेस और कॉन्डोलॉइड प्रोसेस दोनों के बीच में एक फोसा है जिसको हम लोग कहें कॉन्डोलॉइड फोसा। कॉन्डोलॉइड फोसा में जो पहला जो फोरामेन है, कॉन्डोलॉइड फोरामेन जो पहला उधर इस साइड में दिख रहा है, पहला फोरामेन कॉन्डोलॉइड फोरामेन, वो वेन के लिए होता है, उससे हो क्या गुजरेगा, वेन गुजरेगा। और जो दूसरा वाला है उसको कहते हैं हाइपोग्लोसल फोरामेन, जिससे होके हाइपोग्लोसल नर्व गुजरेगा, ठीक। हम लोग देखें बेसियो ऑसिपिटल मास, यानी कि ये किस रूप में होता है, बोनी प्लेट के रूप में है, ठीक है, और ये इन्वॉल्व होता है किसके फॉर्मेशन में, क्रैनियल कैविटी के फ्लोर के, यहाँ पर क्रैनियल कैविटी होता है उसके फ्लोर के फॉर्मेशन में ये बेसियो ऑसिपिटल आता है। ये जो होता है, ठीक है, ये ज्वाइन करता है किस से, आपको प्री एस्फेनोइड बोन से, ठीक है, अंदर में इसके प्री एस्फेनोइड बोन होता है, ठीक है, एस्फेनोइड बोन का पार्ट है ये वाला प्री एस्फेनोइड बोन, इससे ये ज्वाइन करता है। और यहाँ पे तो प्री एस्फेनोइड बोन से ये जो बेसिलर पार्ट है वो जुड़ा होता है, और ये लैटरल मास ऑफ किस से, ऑसिपिटल बोन से भी ये जुड़ा है, ये ऑसिपिटल बोन का लैटरल मास से भी तो जुड़ा है, ठीक है, लैटरल मास के ऑसिपिटल बोन से ये बेसिलर पार्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो बेसिलर पार्ट है इसमें दो ट्यूबरकल होते हैं, दो ट्यूबरकल, इसको हम लोग क्या कौन सा ट्यूबरकल कहते हैं, बेसिलर ट्यूबरकल। उसके बाद जो लैटरल वाल होता है इसका बैसलर, इसका बैसलर बैसलर पार्ट का, बेसियो ऑसिपिटल का, बेसियो ऑसिपिटल का जो लैटरल वाल है, यानी कि ये लैटरल वाल एक क्रेसेंट, क्रेसेंट मतलब होता है मून सेप्ट या हाफ मून सेप्ट, एक सेप्ट अपर्चर यानी खाली जगह फॉर्म करता है, इसी खाली जगह को हम लोग कहते हैं जुगलर फोरामेन, या इसी का दूसरा नाम है फोरामेन लैसरम, ठीक है, जुगलर फोरामेन या फोरामेन लैसरम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके पैसेज के लिए होता है, तो क्रैनियल नर्व के पैसेज के लिए होता है, इससे होके क्या गुजरता है, क्रैनियल नर्व गुजरता है। सुप्रा ऑसिपिटल पार्ट, यानी ये है सुप्रा ऑसिपिटल पार्ट, तो ये एक बोनी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें इसके ऊपर में कॉन्डाइल्स और फोरामेन मैग्नम, ये फोरामेन मैग्नम और कॉन्डाइल्स के ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। ये जो बोन होता है किससे आर्टिकुलेट करता है, तो इंटरपैराइटल बोन से, कॉन्डल पैराइटल बोन से, और फिर टेम्पोरल बोन से, ठीक है, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन और इंटरपैराइटल बोन से ये आर्टिकुलेट करता है। अगर हम इसके सेंटर में देखें सुप्रा ऑसिपिटल पार्ट के, तो यहाँ पे एक बोनी प्रीट्यूबरेंस है, बोनी प्रीट्यूबरेंस मतलब आउटग्रोथ, एक बाहर से निकला उभरा हुआ हिस्सा है, इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रीट्यूबरेंस। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रीट्यूबरेंस। ये किसको अटैचमेंट कर देता है, ये पूरा ये अटैचमेंट देता है किसको, लिगामेंटम न्यूकी को, किसको देता है,
लिगामेंटम न्यूकी को।